हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेबी कॉड। मेरा नाम है जोशुआ और आज मैं आपको सिखाऊंगा रूट एक्सेस विदाउट रूटेड डिवाइस। यस गाइस, अपना फोन को बिना रूटेड डिवाइस किए अपने रूट एक्सेस ले सकते हैं, अपना सारा रूट का काम इसमें बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें हमें कौन से ऐप्स की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले हम चेक करेंगे अपना डिवाइस रूट है या नहीं। उसके लिए हमारा काम आएगा रूट चेकर फर्स्ट एप्लीकेशन, दूसरा है अपना टर्मक्स जिसमें हम अपना सारा काम करेंगे जिससे हम अपना रूट एक्सेस लेंगे। इन दोनों ऐप्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट, चलते हमारी मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले चेक करेंगे रूट चेकर को, अपना चेक करेंगे हमारा डिवाइस रूट है भी कि नहीं। वेरीफाई रूट, ये देखिए हमारा बिल्कुल भी रूट नहीं है डिवाइस। बैक आएंगे, दूसरा है हमारा टर्मैक्स, इसको मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है टर्मैक्स। फर्स्ट कमांड है हमारा एपीटी अपडेट। इससे हमारे जितने भी सारे टर्मैक्स के टूल्स होंगे सारे अपडेट हो जाएंगे। दूसरा है एपीटी अपग्रेड, यस। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। ये हमारा हो चुका है। अब है एपीटी इंस्टॉल डब्ल्यू गेट, ये भी हो चुका है। अब हम अपने गिट क्लोनिंग करेंगे इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके। कॉपी, मैं आपको सारे कमांड भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साइड में भी लिख के दे दूंगा। बैक आएंगे, करेंगे ls एंटर। ये देखिए इंस्टॉल नेट हंटर टर्मैक्स हो चुका है। नेक्स्ट कमांड है चेंज मोड +x, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे चेंज मोड करने के लिए। कॉपी, यस पेस्ट। दोबारा से करेंगे ls, ये बिल्कुल हो चुका है चेंज मोड इसका। अब लास्ट लिंक है हमारा .slash install net hunter टर्मैक्स, इसको करेंगे कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट एंटर, हमारे सामने काली का आ चुका है, काली लिनक्स का। एंटर, ये मैंने पहले से अपना सारा किया हुआ है इस करके मैं नो ही करूंगा। आप पर यस करेंगे, आपने नो नहीं करना, यस करेंगे। यस, आपने यस ही करना है, नो नहीं करना। मैंने ये किया हुआ इस करके मैं नो कर रहा हूं। काली, अब हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे NHR नेट हंटर रूट। ये देखिए हमारा रूट बिल्कुल हो चुका है रूट, इसको लोकल होस्ट मिल चुका है। चेक करने के लिए हमारा जो सा रूट हमने किया है काम भी कर रहा है कि नहीं, उसके लिए हम कमांड देंगे msf कंसोल स्टार्ट फ्रेमवर्क मेटास्प्लॉइट। इससे हम कोई भी पेलोड बना सकते हैं, किसी डिवाइस का सारा कंट्रोल ले सकते हैं। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। यस गाइस, देखिए हमारा बिल्कुल ऑन हो चुका है मेटास्प्लॉइट, यहाँ पर वो दिखाने लग चुका है।
2264 उसने एक्सप्लॉइट किए हैं और पेलोड्स भी बनाए हैं। हमारा बिल्कुल रूट एक्सेस बिल्कुल काम कर रहा है। गाइस अगर आपको इस वीडियो में 1% में मदद मिली हो, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।